अभी हम मौजूद है एक शिकारा में, जहां पे G20 मेंबर्स जो है इसी शिकारा में बैठेंगे। और यहां पे इस शिकारा की मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से इस शिकारा को जो है डेकोरेट किया गया और लगभग 162 के करीब जो है यहां पे शिकारा को तैयार किया गया और वो डेकोरेटेड भी है। और बाजाबता तौर शिकारा पे अब पेंट भी किया गया और यहाँ पे कर्टन्स भी नए लगाए गए हैं और बाजाबता तौर अब पूरी तरीके से जो है G20 सम्मेलन की तैयारी बिल्कुल अब हो चुकी है। और ये एक शिकारा में मैं मौजूद हूँ और इस शिकारा को जो है लाइटिंग रखी गई है। और मैं आपको बताऊं कि G20 सम्मेलन में पहला दिन जो है वो इसी शिकारा में होगा और इसी शिकारा में जो है वो G20 मेंबर्स जो है 162 के करीब जो शिकाराज है वो पूरे जिल डल का सैर करेंगे। और कहा जा रहा है कि शायद नाइट आवर्स में जो है वो जिल डल घूम सकते हैं। और DDGP कश्मीर विजय कुमार ने ये कहा है कि जो है मैरीन कमांडोज जो है उनको गार्ड करेंगे। तो अब देखने वाली ये बात है कि इन जो शिकारा राइडर्स है, जो शिकारा ओनर्स है, इनको कितना फायदा मिलेगा। जी शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया है। जी सर, ये बताएगा कि कितने, पहले आपने नाम बताया। हमारा नाम है गुलाम अहमद कोलू, ऑल जेल के शिकारा वर्कर्स यूनियन, डल गेट नंबर 1। तो ये बताए मुझे कि किस तरीके से आपने तैयारी की है G20 को लेकर। हमको जनाब एक मीटिंग हुआ है वहाँ पर टूरिज्म में, वहाँ पर सब लोग था, उन्होंने हमको बोला ऐसा शिकारा रखना है, इतना रखना। उसने फिर वो फार्म बनाया, कुछ वो उधर भेजा है CID महकम को, दूसरे जगह को, हर एक जगह को भेजा है। वहाँ से वेरिफिकेशन आ रहा है, किसी किसी को उसको बोलता है इसमें देखना है, गलत मत होगा कोई शिकारा वाला, कुछ मत होगा, ये मत होगा, अच्छा होना चाहिए, साफ तरीका से, फर्स्ट क्लास। अब जो बाकी इनोवेशन इनको करना है, मतलब इसका जूल लगाना है, इसका कोई और भी फिनिशिंग करना होगा, किसी शिकारे वाले के पास है, किसी के पास नहीं है। अगर इसके पास रुपया 10,000 था, 20,000 इसने लगाया, ये तो ठीक है। अगर दूसरा शिकारा है उसको नहीं है, इसमें अगर थोड़ा टूरिज्म भी इनको मदद करेगा तो ये हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। हम भी उसके साथ कोऑपरेट कर रहा है टूरिज्म के साथ, और JK पुलिस है यहाँ पर हमारा नेहरू पार्क में, वो भी हमारा बहुत मतलब ख्याल रखता है, हम भी उसका ख्याल रखता है अपने तरीके से, तो ये तो होता रहता है। मगर बाकी एक चीज़ है टूरिज्म को, खासकर हमारा ये जो यहाँ पर घाट है, ये तो फर्स्ट घाट है, बड़ा घाट यही है, इसके बाद में ये बाकी घाट बन गया है, JT-VT वगैरह उसको सबको घाट बनाया। और दूसरा प्रेसिडेंट साहब है हमारा वो वली मोहम्मद, अच्छा, वो नेहरू पार्क में है, वहाँ पर आजकल सारा ये जो मनीषर लुक है ज्यादा उधर ही आता है, अच्छा, हमसे कम मिलता है यहाँ पर, क्योंकि हमारा साइट यहाँ ठीक नहीं है। तो जब 20 मेंबर्स आएंगे उनके साथ हाई लेवल ऑफिशियल्स भी होंगे, मिनिस्टर्स भी होंगे, तो आपको नहीं लग रहा कि आपकी इस इंडस्ट्री को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। लगता तो है, मुश्किल है, नहीं मिलता है फिर बाद में नहीं होता है। अभी हमने एक फेस्टिवल मनाया है उधर, क्या नाम उसका, नेहरू पार्क में, उसका नाम था हाउस बोट फेस्टिवल, 4 दिन 3 दिन वो चला है, 2 दिन चला है, अभी तक हमको पैसा नहीं मिला है, कितना महीना हो गया है। अच्छा, अभी पैसा नहीं मिला है। वहां पर अभी डायरेक्टर साहब था, वो दूसरा आ गया, अब हमको भी उम्मीद है वो दूसरा डायरेक्टर साहब आया है, वो हमको नेहरू पार्क में मिला है, अभी हमको इंट्रोड्यूस पूरा नहीं हुआ है उसके साथ, वो आया है, वो मिला है हमसे। अच्छा, हमको लगता है ऐसा दिल्ली लगता है वो बहुत कुछ काम करेगा हमारा। ये मुझे बताए, जो G20 के मेंबर्स आएंगे, पूरी दुनिया से 20 मेंबर्स आएंगे, तो उससे कितना फायदा मिलेगा आपको, मतलब किस बारे में, कौन सा फायदा? फायदा ये है कि टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, टूरिज्म प्रमोट होगा, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। जब वो बात है, अगर टूरिस्ट फॉरेन कंट्री खुला हो जाएगा तो हमको बहुत अच्छा था। अगर वो 10,000 आएगा, अगर ये 50,000 भी आएगा, वही 10,000 हमको ठीक है, वो अच्छा है, उससे रुपया 10 कमाता था, ये तो इससे नहीं, ये तो डोमेस्टिक। ये मुझे बताएं कि टूरिज्म वालों को आपने ये शिकारा दी है, कितना पैसा आपने टूरिज्म वालों ने आपको इसमें दिया है? इसमें मतलब टूरिज्म वालों ने आपके साथ बात की है कि आप भी 45 शिकारा दीजिए, जी हाँ, तो उसमें कितना पैसा देते हैं वो आपको? वो अभी तय नहीं हुआ है क्या दे देगा। अच्छा, 2,000 दे देगा, 1,000 दे देगा, पता नहीं वो कब भी लेगा। वो पूरे दिन में आपको घुमाना है? वो पूरा दिन, नाइट भी लगेगा ना, नाइट टाइम भी होगा ना, ये ज्यादा लाइटिंग जब होगी ना
ना ही टाइम में ज्यादा शो देता है, बहुत अच्छा है। जैसा कि पहले आपने देखा होगा वो जो फेस्टिवल मनाया हाउस बोट फेस्टिवल, वो यहाँ मनाया जी था जी, रात को ही था। जी हाँ, जब दूसरा पहले बार आया था वो अमित शाह साहब जब आया था वो सोतोर होटल में मनाया था, उस टाइम भी बहुत लाइटिंग का प्रोग्राम था, ज्यादा इनको लाइटिंग पसंद है, बहुत अच्छा है। मगर सब चीज खूबसूरत बनाना हर एक जगह, मतलब ये डलगेट छोड़ा है तो बाकी घाटों को ठीक करता है। फर्स्ट गार्ड जो है डलगेट नंबर वन, इसको कोई रिनोवेट नहीं हो रहा है, फ्लड में हो गया वो जेटी, हमको था वहां पर ऑफिस, उसमें कागजात था हमारा, डॉक्यूमेंट था, वो सैलाब ने ले गया, फिर दुनिया को मरम्मत हुआ है, तो ये नहीं हो गया, ये ऐसा ही रह गया। समझो देहने साइड आएगा वो टूरिस्ट आएगा, चाहे मिनिस्टर आएगा, कोई भी। गुलाम अहमद साहब, आपका ये कहना है कि एक तरीके से अगर G20 के मेंबर्स यहाँ पे आए आपको फायदा भी है, लेकिन दूसरी तरीके से आप ये बोलते हैं कि यहाँ पे मरम्मत करने की जरूरत है। मरम्मत करने की जरूरत है, फिर वहाँ पर आएगा कोई भी आएगा वो देखेगा, उसको कहीं तो दुबाना है बेचारे को, वो हमारी हेल्प के लिए आएगा। आप बोल रहा है टूरिज्म प्रमोट हो जाएगा, टूरिस्ट ज्यादा आएगा, वो राइट बात है, वो तो अच्छा है उसके लिए, वो हिसाब के लिए है, वो होटल वाला के लिए भी, हाउस बोट वाला के लिए भी, शिकारा वाला के लिए भी, रुपया 10 कमाएगा। और हमारा बात यह है, हम तैयार है हर वक्त, टूरिज्म के साथ है हम। अभी क्या सूरत हाल है, अभी टूरिस्ट साथ है? टूरिस्ट अभी आता है, बहुत आता है, मगर बुक होता है, मतलब खुला नहीं आता है जैसा पहले आता था। खुला कस्टमर उसको रुपया 1000 करता था, 500 करता था, पूरा घुमा के लाता था, उससे रुपया 10 मिलता था। अभी जो है बंद काम होता है ना, समझो 20 शिकारे का, 50 शिकारे का होटल वाला देता है या वो कटरा वाला देता है, इसमें बीच में हमको मिलता है वही 400-500-700, उससे अलावा नहीं। चलिए गुलाम अहमद साहब, हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी इस G20 सम्मेलन से काफी ज्यादा फायदा। हमारे साथ मौजूद थे गुलाम अहमद साहब, जिन्होंने जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट को है 40 के करीब शिकारा दिए हैं, 45 शिकारा दिए हैं, जिसमें G20 मेंबर्स जो है वो राइड करेंगे पूरे जिले डल के, और रात और दिन ये शिकारा चलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इनका ये मसला भी है, यहाँ पे इनको रिनोवेट करने की काफी ज्यादा जरूरत, क्योंकि यहाँ पे जब G20 मेंबर्स आएंगे यहाँ पे चलने के लिए उनको पाथ नहीं है। तो उम्मीद यही है कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म पहले इसको ठीक करेगा, क्योंकि 22 तारीख को जो है G20 मेंबर्स यहाँ पे पहुंचे, उम्मीद यही करेंगे उससे पहले इस पैच को भी ठीक किया जाएगा और इन शिकारा वालों की जो जायज मांगे है उसको भी पूरा किया जाएगा। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, जेके न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।